आज की हमारी रेसिपी है अरवी के पत्ते के पकोड़े। इसे कई नामों से बुलाए जाते हैं, जैसे पतौड़ कहते हैं, रिकवच कहते हैं, और हमारे यूपी और बिहार में तो इसे रिकवच कहे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये अरवी के पत्ते हैं जिसको मैंने धो के साफ कर लिया है। अब मैं सबसे पहले इसकी डंडी को काट के हटा दूंगी। ये इसकी डंडी है, इसको मैं काट के निकाल दूंगी। इस चीज को मुझे अलग कर देना है। पत्ते ऐसे खुल के आएंगे, इसे मुझे बीच से काट खोल देना है, ऐसे करना। इसको भी मैं बीच से काट दूंगी। इसे हमें खोल के फैला देना है। ऐसे करके मैं सारे पत्ते को काट करके रख लेती हूँ। अब मैं इसे बराबर करूंगी। अब मैं इसे बेलन से बेल के बिल्कुल बराबर कर लूंगी। ऐसे करके मैं पत्ते को बिल्कुल बराबर कर लूंगी। सारे पत्ते को मैंने बेल लिया है। देखिए, एक बिल्कुल बराबर हो गया है, ये फटेगा नहीं। मैंने चार पत्ते का एक रोल बनाऊंगी, इसलिए मैंने चार चार को अलग करके रखा है। मैं तीन रोल बनाऊंगी। अब मैं इसके मसाले तैयार करती हूँ। ये इसके मसाले हैं। ये 2 टेबलस्पून सरसों, 2 टीस्पून जीरा, 2 टीस्पून धनिया और 2 लहसुन के गांठ। इसमें सरसों के साथ हमें लहसुन का यूज ज़्यादा करना होता है। 2 टीस्पून लाल मिर्च और 1 टीस्पून हल्दी। तो चलिए, खड़े मसाले का पहले पेस्ट बना लेती हूँ। अब मैं एक मिक्सी जार लूँगी, उसमें सारे मसाले डाल दूँगी और लहसुन भी डाल दूंगी और हल्दी और लाल मिर्च को भी मैं इसमें डाल दूंगी। 2 टेबलस्पून इसमें मैं पानी डालूंगी। अब मैं जार को बंद करती हूँ और मसाले को पीस लेती हूँ। मसाला तैयार हो गया। तो चलिए, अब हम लोग रिकवच बनाने चलते हैं। हमने एक बड़ा बर्तन लिया है, इसमें मैंने 2 कप बेसन लिया है। इसमें मैं पीसे हुए मसाले को डाल लूंगी। अरवी के पत्ते गले में काटते हैं, इसलिए 2 नींबू का रस मैंने डाला है इसमें। नमक मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग लूंगी। अभी मैं 1 टीस्पून नमक डाल रही हूँ और इसको मैं मिक्स कर दूंगी। इसमें मैं मसाले का पानी डालूंगी, जितना जरूरत होगा उतना ही डालना है। मैंने 1/2 कप पानी इसमें डाला है। देखिए, पेस्ट तैयार हो गया। चलिए, अब हम लोग रिकवच बनाने चलते हैं। मैं एक परात लूंगी, उसके ऊपर मैं रोल करूंगी। पत्ते को हमें इस साइड से लगाना है। स्टार्ट करते हैं। इसे मुझे हाथ से बराबर फैलाना है। बिल्कुल बराबर बराबर। पत्ता फट जाए कोई बात नहीं, बेसन से वो रिपेयर हो जाएगा। देखिए, बराबर लग गया। अब मुझे दूसरे पत्ते को उल्टा करके रखना है। देखिए, बराबर बेसन लग गया। अब मैं फिर तीसरे पत्ते को पलट के लगाऊंगी। अब ये मैं चौथे पत्ते लगा रही हूँ। देखिए, बराबर लग गया। इस साइड से मैं बेसन को हटा दूंगी। अब मैं सबसे पहले इसको साइड साइड मोड़ लूंगी, इसमें हल्का सा बेसन लगा दूंगी। इसे भी मैं साइड से मोड़ लूंगी, इसमें भी मैं बेसन लगा दूंगी। अब इसको मैं थोड़ा सा फोल्ड कर दूंगी। यहां पर भी मैं हल्का सा बेसन लगा दूंगी।
अब मैं इसका धीरे धीरे रोल बनाऊंगी, धीरे धीरे मोड़ते जाना है। यहाँ भी मैं हल्का बेसन लगा लूंगी और रोल को मोड़ दूंगी। कितना अच्छा रोल तैयार हो गया है। अब मैं दूसरा भी बना लेती हूँ, हल्का सा बेसन ऊपर भी लगा देंगे। मैं रखती हूँ, देखिए कितना अच्छा रोल बना है। इसको भी मैं रखती हूँ, तीसरा भी तैयार हो गया। तो चलिए अब मैं इसमें स्टीम लगाती हूँ। ये मेरे पास स्टीमर है, मैंने इसमें 1 लीटर पानी डाल दिया है। अब मैं गैस को ऑन करती हूँ, मैं इसे कवर कर दूंगी। पानी गर्म हो गया है, अब मैं इसके ऊपर ये पॉट रख दूंगी। इसमें मैं प्लेट रखूंगी, प्लेट को मैंने ऑयल से ग्रीस कर रखा है जिससे कि ये रोल्स चिपकेंगे नहीं। अब मैं इसे कवर करती हूँ 10 से 15 मिनट के लिए। 15 मिनट हो गए, अब मैं लीड को खोलती हूँ। गैस को मैंने बंद कर दिया है, देखिए अच्छी तरह से स्टीम हो गया है। अब मैं इसे स्टीमर से बाहर निकालती हूँ। रिक्वच बन के रेडी हो गया है। पहले थोड़ा इसको मैं फ्रिज में रख के ठंडा कर लूंगी। 5 मिनट में इसको फ्रिज में रखूंगी जिससे ये थोड़ा टाइट हो जाए, फिर मैं इसकी कटिंग करूंगी। अब मैंने एक बर्तन लिया है, इसमें मैं पकौड़े फ्राई करने के लिए स्लेरी बनाऊंगी। 2 टेबल स्पून में चावल का आटा लूंगी, 1/2 टीस्पून में इसमें हल्दी डाल दूंगी, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च। अब मैं इसे थोड़े थोड़े पानी डाल करके घोल लूंगी। स्लेरी बिल्कुल पतला रखना है, गाढ़ा नहीं रखना, बिल्कुल ऐसा ही रखना है मुझे। रिक्वेस्ट ठंडा हो गया है, अब मैं इसकी कटिंग करूंगी। इसके ये फालतू वाले को मैं निकाल दूंगी। देखिए कितना अच्छा बनके तैयार हुआ है। ऐसे करके मैं सारे को काट लूंगी। ऐसे करके मैंने रिक्वेस को काट लिया है। चलिए अब मैं इसको फ्राई करती हूँ। रिक्वेस तैयार हो गया है। जो लोग तेल को अवॉइड करते हैं वो ऐसे ही खा सकते हैं। तो चलिए मैं पकौड़ी बनाने चलती हूँ। मैंने कढ़ाई चढ़ा रखी है, मैं इसे मस्टर्ड ऑयल में बनाऊंगी। ऑयल गर्म हो गया है, अब मैं इसे डिप करके एक एक करके डालूंगी। पकौड़े के नीचे जब ब्राउन हो जाए फिर मैं इसे पलटूंगी। अब मैं इसे पलटूंगी, ये तैयार हो गया। इसको मैं साइड कर देती हूँ। अब मैं पहले वाले को निकाल लेती हूँ। देखिए कितना अच्छा बना है, ये भी तैयार हो गया। अब इसको भी मैं निकाल लेती हूँ। रिक्वेच बन के तैयार है, चलिए सर्व करते हैं। अरवी के पत्ते के पकौड़े बन के तैयार हैं, पतौड़ बन के तैयार हैं, रिक्वेच बन के तैयार हैं। आप इसे जिस नाम से जानते हो आप टेस्ट करके बताइए कैसा बना है। पसंद आए लाइक शेयर एंड कमेंट्स करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।